हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। राम विराज को स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं साइको टेस्ट की बात करने वाले हैं। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने सीबीटी 2 बहुत अच्छे नंबर से क्लियर किया है। अभी रिजल्ट आना थोड़ा बाकी है, तो हो सकता है जल्दी से जल्दी रिजल्ट भी आपका जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो भाई घबराना नहीं है, जो थोड़ा बहुत 19-20 भी हुआ है जिनका रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, साइको के बाद फाइनल रिजल्ट बनेगा, 8 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। मतलब अपन बात करें तो लगभग 4.5 लाख बच्चा पास होगा। 4.5 लाख बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। 4.5 लाख बच्चे पास होंगे, अब ये सारे सारे बच्चे साइको के एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। अब साइको के एग्जाम में बैठेंगे तो यहां पर ही मेन रोल आता है आपके इस परीक्षा का, सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कहा जाए। यहां से हो सकता है कि जिस बच्चे के स्टूडेंट के नंबर थोड़े से कम भी हों उसका सिलेक्शन हो जाए, और हो सकता है बहुत ज़्यादा नंबर या बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ व्यक्ति थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर जाए या थोड़ा बहुत मतलब अपने डिप्रेशन में आ जाए, तो हो सकता है कि उसका नंबर कम आए और हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बातों का फिर थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई ऐसा नहीं सोचना है माइंड में कि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हैं तो हम क्या नाम है साइको में अगर हम नॉर्मल कट ऑफ के बराबर मार्क्स लेकर के आएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा मामला। और अगर कोई सोच रहा है कि नहीं यार मेरे बहुत कम नंबर है तो मुझे क्या करना है, बोला कि क्या नाम है, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा तो मुझे साइको की तैयारी नहीं करनी चाहिए, तो भाई यहां पर भी ये भी गड़बड़ हो सकता है। तो अपन को क्या करना है, दोनों ही स्टूडेंट को जिनके कम नंबर भी हैं और जिनके मैक्सिमम मार्क्स भी हैं, तो उन दोनों को ही हमें साइको के अंदर 100% तैयारी करनी है। 100% मतलब 100% तैयारी करनी है और 100% मार्क्स अपन को लेकर के आना है, लाना ही है, कंफर्म है 100%, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि यहां पर मैं जो आपसे बात करने वाला हूं 2009 के बाद 2018 आ चुका है। 2018 पिछले साल इंटरनल एग्जाम हुआ है साइको का, ऑफलाइन हुआ है, मतलब इंटरनल जो डिपार्टमेंटली एग्जाम हुआ है वो ऑफलाइन ही हुआ है, ठीक है। तो वैसे बहुत बड़े बदलाव ऐसे कुछ नहीं किए गए हैं, बाकी इस बार देखते हैं भाई ऑनलाइन होने पर क्या बदलाव होते हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी तैयारी तो करना शुरू करना ही पड़ेगा क्योंकि सारा टेस्ट तो बदलेंगे नहीं, हो सकता है एक आध टेस्ट बदल दें, हो सकता है क्योंकि पिछली बार भी एक टेस्ट उन्होंने बदला था, ठीक है। तो हो सकता है इस बार भी आपका एक टेस्ट बदल दें। पिछली बार क्यूब टेस्ट बदल दिया था, ब्रिक टेस्ट के स्थान पर आया था, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, है ना। लेकिन मैं अभी आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, तो ध्यान समझना मेरी बात, यहाँ घबराना नहीं है, तैयारी पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो 2009 से मतलब 2007 से पहले साइको नहीं हुआ करता था, 2007 के बाद में साइको होना शुरू हुआ है, और अभी तक 2018 तक इंटरनली एग्जाम लगभग 3 बार हो चुका है, और अपना बाहर से जो वैकेंसी निकलती है 2012 में एग्जाम हुआ था साइको का, 2014 की वैकेंसी का 2016 में या 15 या 16 के बीच में एग्जाम हुए, अलग अलग भर्ती बोर्ड से अलग अलग हुए थे, अलग अलग टाइम पे हुआ करते थे, ठीक है। और ये इस बार 2018 का ऑनलाइन होने वाला है, पहली बार ऑनलाइन होगा, लेकिन मैटर और लगभग टेस्ट सारे के सारे एक जैसे ही रहेंगे। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क होगा क्योंकि पहले अपना ये एग्ज़ाम आपके एनटीपीसी के अकॉर्डिंग भी हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए, वही टेस्ट थे, पुराने वाले टेस्ट थे जो गुड्स गार्ड वगैरह के ASM की जो वैकेंसी होती ना उसमें भी साइको होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या था, उन्होंने बहुत बड़े बदलाव नहीं किए हैं, बदलाव ऐसा मतलब जो पहले ऑफलाइन दिया करते थे पेपर वैसा का वैसा ही ऑनलाइन उन्होंने उसको सबमिट कर दिया, ऑनलाइन ही आपको दे दिया, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले साइको टेस्ट में, भाई साइको टेस्ट में देखो बहुत सारी मैंने बात को बात कर दी, लेकिन अब बात करते हैं मुद्दे की बात, पढ़ाई की बात, ठीक है। साइको टेस्ट में हमें ऐसा क्या ध्यान रखना है, ऐसी क्या चीज पर विशेष महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें मतलब एक तरीके से माइंड में हमेशा रखना है, एक तरीके से जिसको फॉलो करना ही करना है। तो देखो साइको टेस्ट के अंदर सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको माइंड में हमेशा फिक्स रखना है कि भाई हमें गलती नहीं करनी है। देखिए हमें 1% गलती नहीं करनी, हमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन अपन को गलत नहीं करना है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट। अब ध्यान समझो, पहली बात तो हुआ एक भी गलत नहीं करना, और दूसरी बात, दो ही बातें मेन है ना, दो दूसरी बात अपन को क्या याद रखना है कि भाई हमारे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, यहां तक कि मैं कहूंगा आपसे 100% क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अब आप में से कई स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई 100% हम 100% कैसे पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, काफी लेंथी होता है, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपने इंडिया में या कह सकते हैं पटना और बिहार झारखंड के एरिया जो है यहाँ पर इतने अच्छे स्टूडेंट मौजूद हैं, और
एक दो की संख्या में नहीं, काफ़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में वो सभी बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि मतलब ये मान के चलिए वो 100% पेपर करते हैं, 100% पेपर करते हैं और बिना किसी गलती के करते हैं। सबसे बड़ी बात है बिना किसी गलती के करते हैं। तो भाई ये बात तो अपन को दोनों याद रखनी है। पहली बात तो हमें क्या करना है कि भाई एक तो गलती नहीं करना है, और दूसरी बात हमें क्या याद कर रखना है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट करना है। इस बात को थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं, साइको टेस्ट रेलवे क्यों लेता है और क्या कारण है कि हमें इन दोनों बातों विशेष ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। तो ध्यान समझना, अगर किसी व्यक्ति की बात करें, ट्रेन का एक निर्धारित समय होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचने का, या जहां से छूटती है वहां से अपने नेक्स्ट अंतिम पड़ाव तक पहुंचने का एक निश्चित समय होता है। लेकिन देखिए बात क्या होती है कि भाई आपको मान लीजिए एक लोको पायलट पर डे लगभग 300 से 400 किलोमीटर का एक रन लेता है, डेली लेता है ना, 300 से 400 किलोमीटर का रन लेता है, और 300 से 400 किलोमीटर के बीच में लगभग 50-60 को सिग्नल, 50-60 तो मैं मिनिमम कम ही बोल रहा हूँ, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब 100 सिग्नल के लगभग में वो क्रॉस करता है, 50-60 तो नॉर्मली करता ही करता है, ठीक है, क्योंकि मुंबई हावड़ा रूट पर अगर हम जाएं तो 700 मीटर के बाद में नेक्स्ट सिग्नल आ जाता है, और अगर हम मुंबई दिल्ली रूट की बात करते हैं तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बाद में होम सिग्नल और डिस्टेंट सिग्नल आते हैं, ठीक है। तो हर यानी कहा जाए कि एक रेलवे लोको पायलट अगर 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो हर 2 मिनट के बाद में वो एक सिग्नल को क्रॉस करता है। अगर मान लीजिए कहीं रेलवे लोको पायलट से एक चूक हो जाए, अपन कहते हैं ना मानवीय गलती है, और मानवीय गलती अगर लोको पायलट से हो जाए और एक सिग्नल गलती से वो क्या हो जाए, चूक जाए, तो बताइए इसका कितना बड़ा हर्जाना होगा। यानी हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि मानवीय गलती हो सकती है, ये भी हम नहीं कह सकते, मतलब हमें 1% गलती नहीं करना, हम लोको पायलट बनने जा रहे हैं, हमें 1% गलती नहीं करना, अंतिम टेस्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। तो भाई अगर मान लो उससे एक गलती होगी तो फिर तो मतलब यानी एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट में चाहे वो मालगाड़ी से हो या फिर जो आपका मेन मतलब आपके पैसेंजर ट्रेन हो, तो मतलब ऐसे बहुत भयावह स्थिति हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर गलती की संभावना, रेलवे हमेशा कहता है कि गलती तो करना ही नहीं है और गलती करने वाले स्टूडेंट को हमें लेना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है हमें गलती नहीं करना है, ठीक है। रेलवे ने कहा है कि भाई माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन हकीकत बात है यह माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार क्वेश्चन गलत कर रहे हैं या एक दो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई करने से भी रेलवे बिल्कुल भी हिचकिचाएगी नहीं, आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देगी, ठीक है। तो समझना, डरा नहीं रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ अभी आपको क्या करना है, किस तरीके से माइंड का सेटअप रखना है। कई बच्चे क्या होते हैं ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, चलो चलने दो, चल वो आदत बन जाती है, और आदत बनने के बाद में साइको टेस्ट को क्लियर कभी भी क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर बात, भाई एक स्टूडेंट वो है जो बिल्कुल गलती नहीं कर रहा है, ठीक है, और चल भी रहा है। अब ये मान के चलिए स्पीड तो हमें दे रखी है 110 किलोमीटर पर हावर की, ठीक है, और अगर आप स्लो स्लो ट्रेन चलाओगे 70 किलोमीटर पर हावर से ट्रेन चलाओगे गलती नहीं होगी, ठीक है, लेकिन ट्रेन तो लेट हो जाएगी ना। तो कुल मिलाकर कहा जाए कुछ ड्राइवर ऐसे होंगे जो 110 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ट्रेन चलाएंगे और निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे होंगे जो बहुत ही स्लो चलेंगे, मतलब स्लो चलेंगे, तो सीधी सी बात है स्लो चलने वाले की भी जरूरत रेलवे में नहीं है, मतलब उतनी मतलब एक तरीके से कहा जाए 10 बच्चों में से लगभग कहा जाए 3 से 4 बच्चे जो है ऐसे हैं जो बहुत स्लो पेपर कर रहे हैं, यानी कि स्लो ट्रेन चला रहे हैं, वही दोनों मैटर को थोड़ा समझना, स्लो ट्रेन चला रहे हैं तो उनको भी नहीं लेंगे, डिस्क्वालीफाई है, बहुत कम करोगे पेपर तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंड करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई सर हम लाख कोशिश करें तो भी हमसे गलतियां होती हैं, तो ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनसे गलतियां नहीं होंगी, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनसे गलतियां होंगी, तो उन गलती करने वाले बच्चों में जो सबसे कम गलतियां करेगा उसका पहले सिलेक्शन होगा। ध्यान से थोड़ा समझना इस बात को, थोड़ा सा आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में किसी बच्चे ने गलती की एक, ठीक है, और कोई बच्चा गलती कर रहा है दो, ठीक है। तो अगर हम दोनों बराबर क्वेश्चन किए हैं, 20-20 क्वेश्चन किए हैं, तो यहां ध्यान समझना सिलेक्शन किसका होगा, जिसने एक गलती की है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात अपनी समझ में, लेकिन अगर मान लो कंडीशन थोड़ी सी बदल जाए और किसी बच्चे ने क्वेश्चन किए 11 और उसने गलती सिर्फ एक की है, और आपने क्वेश्चन किए हैं 20 और आपने गलती कितनी की है 2 की है, तो भी 11 क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा, 20 करने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा।
ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा माइंड में रखना। तो यानी पहले नंबर पे हमें याद रखना है कि हमें गलती का नाम ही नहीं लेना है, नाम ही नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरी बात हमारे को ये याद रखनी पड़ेगी कि भाई हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर अटेंड करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी कि देखो 30% मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पर, कितने परसेंट मिलने वाले, 30%, और टेस्ट होने वाले 5, यानी प्रत्येक टेस्ट में 6% मार्क्स अपन को मिलेंगे, कम से कम 6% मार्क्स में, एक टेस्ट में 6% मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। और हकीकत बात ये मतलब कॉपी जो आप सोचते हैं ना 1/3 माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग चेक हो, नहीं, वो कॉपी एक अलग तरीके से ग्राफ मॉडल के अकॉर्डिंग चेक होती है, जिसमें आपके माइंड का एक तरीके से कहा जाए कि एक ग्राफ बनाया जाता है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका माइंड कितना अच्छा मतलब एक्यूरेसी दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन वहाँ पर होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले साइको टेस्ट की, साइको टेस्ट में हम आगे जो बात करने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं भाई, साइको टेस्ट में होगा क्या, हमारे पास 5 टेस्ट आने वाले, जरा हम सबसे पहले सब साइको टेस्ट के अंदर जाकर के देखते हैं और कौन-कौन से अपने टेस्ट होने वाले हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो पहले नंबर पे अपन देखते हैं साइको टेस्ट में, देखो इधर ध्यान दो, देखो साइको का जो टेस्ट होता है ना, इसका इधर ध्यान देना, साइको टेस्ट, ठीक है, साइको टेस्ट को हम एक तो मनोवैज्ञानिक परीक्षा, वैज्ञानिक परीक्षा भी कहते हैं, है ना, इसके अलावा इसे अभिरुचि परीक्षा भी कहते हैं, इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, अभिरुचि परीक्षा, यानी कि आपके दिमाग का एक तरीके से कहा जाए मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है यहां पर, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है, अब आपका भाई साइको टेस्ट ऊपर लिखा हुआ, साइको टेस्ट के बाद में आपका आता है सबसे पहले नंबर पर आता है मेमोरी टेस्ट, भाई सबसे पहले नंबर पर हमारा मेमोरी टेस्ट आता है। मेमोरी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अपन से मेमोरी टेस्ट क्यों लिया जाता है, ध्यान सुनना, जब भी आप रेलवे अपॉइंट होंगे, अपॉइंट होने के बाद आपकी रूट ट्रेनिंग होगी, रूट ट्रेनिंग में आपको उस रूट पे 2 या 3 बार या 4 बार आपको उस रूट पे मिनिमम 3 बार आपको उस रूट पर रूट ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप जब ज्वाइन होंगे आप लोग, ठीक है, तो भाई जब रूट ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ता है तो वहाँ क्या देखना पड़ता है कि भाई कौन सा ब्रिज आया है, कौन सा सिग्नल है, सिग्नल के बाद में कहाँ टर्न है, और कहाँ मतलब आपका ऐसे जहाँ मतलब खुला हुई जगह है जहाँ से रिक्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जहाँ से मतलब आपके किसी जानवर के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी जगह पे हमें पहले शुरुआत में जब रूट ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें अपन को एक एक चीज़ को मेमोराइज करना पड़ता है, और मेमोराइज भी कितना, 300 किलोमीटर की मेमोरी हमें अपने माइंड में सेव करके रखनी है, ठीक है। और किसी जंक्शन स्टेशन पर आपका पोस्टिंग है तो आप चारों दिशाओं में जा रहे हैं, चारों दिशाओं में जाने के बाद में वहाँ के आसपास का सारे चारों दिशाओं का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, यानी आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शार्प मेमोरी होनी चाहिए, तो मेमोरी टेस्ट इसीलिए लिया जाता है, ठीक है। तो मेमोरी टेस्ट में सबसे पहले आते हैं फिगर मेमोरी। देखिए ये पैसे फिगर मेमोरी जो है इसका नाम है फिगर से, यानी कि कोई आपको आकृति दी हुई होगी, आकृति के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जाएगा। जरा मैं दिखा देता हूँ आपको फिगर मेमोरी, ठीक है, होता क्या है, सिंपल है, ऐसा टफ नहीं है ना, ये है आपके सामने फिगर मेमोरी, ठीक है। फिगर मेमोरी में होता क्या है, ध्यान से समझना जरा मेरी बात, यहाँ पर आपको ये मेमोरी दिया हुआ होगा इस तरीके से, आपका 2 मिनट के लिए आएगा। अब जरा यहाँ ध्यान सुनना, रामवीर सर ने दिखा तो दिया, ये तो सभी लोग बता रहे हैं कि इस तरीके से ये होगा, लेकिन यहाँ ध्यान से समझना, हमें यहाँ पर एक कुछ लॉ है, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स का अकॉर्डिंग उनका इंस्ट्रक्शन का अपन को फॉलो करके ही हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, ठीक है। उन रूल्स वगैरह को हम बताएंगे आपकी जो आगे जो क्लासें होंगी उनमें काफ़ी सारी बताएंगे, लेकिन आज की जो क्लास में मेन जो मेरा उद्देश्य है वो क्या है, पूरे साइको की नॉलेज दे देना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे रूल हैं, क्या होता है, एक छोटा सा वर्बली बता रहा हूँ, हल्का सा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। देखो आकृति का ध्यान रखना पड़ता है, आकृति देखनी पड़ती है, आकृति का आकार देखना पड़ता है, काला सफेद भाग देखना पड़ता है, ध्यान समझना, आकृति देखनी है, आकृति का आकार देखना है, और आकार के साथ साथ काला सफेद भाग भी देखते हुए चलना है, ठीक है। कौन सा भाग काला है, कौन सा भाग सफेद है, ठीक है, और उसकी स्थिति, अब यहाँ स्थिति से मतलब क्या है कि भाई कोई भी अपन आकृति ले तो उसमें 2 या 3 आकृतियों का मिश्रण है, तो इसमें उन 2 या 2 आकृतियों का जो मिश्रण है उनकी स्थिति किस प्रकार है, तो वो भी हमें याद रखना पड़ता है। तो आकृति, आकार, काला सफ़ेद भाग, और उसकी क्या याद रखना है, स्थिति भी याद रखना है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, हमें जल्दी जल्दी देखना है, 2 मिनट का समय इसको देखने के लिए मिलेगा, केवल और केवल 2 मिनट का देखने का समय मिलेगा, 2 मिनट के बाद में ये स्क्रीन अपने आप आपके सामने से हट जाएगी, और हटने के बाद में आपके सामने क्या आ जाएगा, इस तरीके का एक टेस्ट आपके सामने दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अब आपने उसकी आकृति, आकार,
स्थिति को आपने ध्यान में रखा हुआ है और काला सफेद भाग भी है तो उसे भी आपने ध्यान में रखा हो, जैसे इसमें काला सफेद भाग है इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी देखो पहली बार ऑनलाइन हो रहा है तो अभी मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ किस तरीके से वो वेबसाइट डिजाइन हुई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो ये ऑफलाइन का मैटर है, ऑफलाइन के अकॉर्डिंग जैसे पहले पेपर आता था वैसा है, ठीक है। जैसे ए बी सी और डी, ये जो आपको ऊपर की पंक्ति में लिखा हुआ ना, ये आपका जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ होगा ए बी सी, और इस तरीके से मतलब आपका, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, जैसे ए लिखा होगा ना, ए लिखा होगा तो ए में इस तरीके का ये गोला होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा, ये चारों ऑप्शन आपके सामने होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, माउस ले जा करके जो आपका सही आकृति है आपको उसको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे ही ए बी सी डी के ऑप्शन आने चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, बाकी रेलवे में देखते हैं कि अगर ये साइड में आता है, साइड में आता है तो साइड में भी आ रहा है तो आपको ए बी सी डी के अकॉर्डिंग वहां पर भी आंसर दे देना है, ठीक है। तो ये तो बात आपकी रही क्या है ऑप्शन को, उसको पेपर को देखने की। तो ध्यान सुनो, पहले नंबर पर तो आपको देखने के लिए कितना समय मिला, इसको देखने के लिए कितना समय मिला, 2 मिनट का समय मिला। फिर इसको भरने के लिए कितना समय मिलेगा, पहला टेस्ट है थोड़ा टाइम लूंगा इसमें ना, तो ये भरने के लिए आपको कितना समय मिला, फिर से 2 मिनट का समय मिला, यानी 2 और 2 कितने मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए। 4 मिनट होने के बाद में ये रुकेगा नहीं, ये 2 मिनट बाद अपने आप हट जाएगा। अगर आपने 2 मिनट में सारे भर दिए तो अच्छी बात है, अगर आपने कम ही भरे हैं, 42% भरना जरूरी है, गलती तो करनी ही नहीं है। अच्छा एक और बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा, वो वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि भाई ये देखना जाना कि भाई मेमोरी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें गलती बिल्कुल भी नहीं चलेगी, बाकी और टेस्ट क्लॉक और टेबल, जिसमें टेबल थोड़ा सा और ज्यादा, टेबल में भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्लॉक में अगर एक आध हो जाती है, होनी ही नहीं चाहिए पहली बात तो, अगर मान लो हो भी जाती तो हम फेल तो नहीं होंगे, कुछ चांस हैं बचने के क्लॉक में उसके बाद में, लेकिन मेमोरी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें गलती तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मतलब रेलवे तुरंत डिस्क्वालीफाई करेगा अगर आपने गलतियां की तो। और वैसे तो अंदर की काफ़ी सारी बातें मैं आपको एक एक बात बताऊंगा तो आप बिल्कुल लूज हो जाओ, बोलो बोले यार सर सर ने वाली बात भी बोली थी, चलो एक आध दो गलतियां ऐसा चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, ध्यान रखना बिल्कुल भी गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। तो 2 मिनट देखा, सबसे पहले समझ लो भाई, पहले हमने 2 मिनट देखा एक सेट, ठीक है, और फिर 2 मिनट भरा दूसरा, ठीक है, तो एक 2 मिनट देखा 2 मिनट भरा, 2 मिनट देखा फिर 2 मिनट भरा, तो एक सेट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में तुरंत ही दूसरा सेट चालू हो जाएगा, 2 मिनट फिर देखने को मिलेगा और 2 मिनट फिर से क्या करेगा, भरने को मिलेगा, यानी टोटल जो परीक्षा होने वाली है वो 8 मिनट की होने वाली है। कितने मिनट की होने वाली है, 8 मिनट की परीक्षा होने वाली है। अब 8 मिनट की परीक्षा होने के बाद में ऑफलाइन जब भी ये पेपर हुआ करता था तो बच्चे क्या पेपर और पेन दोनों हाथ ऊपर कर लेते थे और पेपर कलेक्ट कर लिया जाता था, ये सिस्टम हुआ करता था। और फिर उसके बाद में लगभग 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगभग टाइम मिलता था नेक्स्ट एग्जाम, मतलब नेक्स्ट जो टेस्ट है उसके लिए मिला करता था, ठीक है, ठीक है। तो ये टाइम अपन को ऑफलाइन मिला करता, अब ऑनलाइन में हो सकता है कि आपको 8 से 10 मिनट का समय मिले, कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला नंबर, हमने ये बात समझ ली, एक सेट आएगा, 2 मिनट देखना फिर 2 मिनट भरना, ये आपका टाइम है, ये आपको टाइम दिया जाएगा भरने के लिए, ठीक है, और ये वाला टाइम आपको भरने के लिए दिया। अब देखो मैं और आगे चलता हूँ, ठीक है, अब मैं और आपको और बताता हूँ, ठीक है, और क्या है, अब ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो फिर दिक्कत होगी, फिर आप लोग हाँ, अब जरा अपन इधर ध्यान देंगे, नेक्स्ट अगला जो टेस्ट है वो क्या टेस्ट कहता है, वो कहता है फिगर टू फिगर टेस्ट। देखो फिगर मेमोरी टेस्ट में सिर्फ आपको सिर्फ उस फिगर को याद रखना था, केवल उस फिगर पर ही ध्यान देना था, अब फिगर टू फिगर है, अब यहाँ ध्यान समझना, मैं बहुत बारीकी समझाने वाला हूँ पूरा
ये वीडियो पूरी तरीके से देखना और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कि आपका मिस हो जाए मेरे से। और क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का पेपर बनेगा। अभी तक आपने सिर्फ बुकों में देखा होगा, रियल एग्जाम में जब वहाँ मालूम चलता है ना कि भाई क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करेगा, आंसर को क्वेश्चन में, दिमाग हिल जाता है बिल्कुल ही, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझते जाना। फिगर टू फिगर, इसमें बहुत ये थोड़ा सा टफ है, हल्का सा टफ है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले वाले का टाइम बता दिया था। देखो जैसे जैसे ये साइको पुराना होता जा रहा है ना, तो समय क्या करती है, रेलवे कम करती जा रही है। शुरुआत में जब ये टेस्ट आया करता था तो 2007-08 में जब ये टेस्ट आता था, 3 मिनट का समय देखने को मिलता था, 3 मिनट का भरने को मिलता था। लेकिन जब ये 2014 में जब ये टेस्ट आया तो इसको 2 मिनट 30 सेकेंड का समय कर दिया, 2.5 मिनट का समय कर दिया। इसमें क्या होता है, ये दिख रहा होगा आपको फिगर, इस फिगर के सामने कौन सा फिगर बना हुआ है। अच्छा देखो होता क्या है कि कई बार कई भर्ती बोर्डों में तो इसको क्वेश्चन माना जाता था, और इसके 4 ऑप्शन अगले वाली स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मान लिया जाता था और क्वेश्चन के बाद में ये इसका ऑप्शन हुआ करता था कि भाई इसमें से कौन सा इसके सामने करेक्ट था। जैसे ये क्वेश्चन था, इसके सामने कौन सा था, ठीक है, ये है, इसके सामने कौन सा वाला आपका झंडा वहाँ बना हुआ था, ठीक है। तो कई भर्ती बोर्डों में तो वो यही सिस्टम रहता था कि भाई ये क्वेश्चन है और इसके सामने ये वाला झंडा है, ठीक है। तो इस तरीके से इधर की तरफ जब आते थे तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होता था और इसके सामने आपका ये वाला झंडा आपका आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हम मैच कर लेते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मतलब 2014 में भी, 2014 के मतलब भर्ती तो 2014 की थी लेकिन साइको 2016 तक हुए थे, ठीक है। तो कई बार ये उल्टा भी कर लेता है, इसके सामने इसको दे देता है। तो यानी हमें दोनों साइड ही याद रखना पड़ेगा, दोनों साइड याद रखना पड़ेगा, यानी कि इसका काला सफ़ेद भाग ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और इस पर क्या नाम है, इसके सामने जो आकृति है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा ये थोड़ा टफ है, मैंने आपसे क्या बोला, ये थोड़ा सा टफ है, प्रैक्टिस करने से सारा आसान हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें भी वो 2 मिनट देखना, 2 मिनट भरना, फिर 2 मिनट देखना और फिर 2 मिनट भरना रहेगा, ठीक है। इसका 2 मिनट 30 सेकेंड, आपको जरूरी नहीं है कि आपको 2 मिनट 30 सेकेंड देखना फिर 2 मिनट 30 सेकेंड भरना, ठीक है। तो 2 मिनट 30 सेकेंड फिर दोबारा आपका क्या करना, भरना, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। और ये लगभग आपका कहा जाए 10 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपके। अच्छा इसके बाद में फिर आपके आगे चलते हैं। तो आपका फिगर टू फिगर आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया, एक फिगर दिया होगा उसके सामने 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से जो सही होगा हमें वो छांटना रहेगा। कभी इधर वाले फिगर को भी अंदर दे सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम उससे ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमें तो ये सिखाया गया तो हमने ये काम, हम तो ये पढ़ करके आए थे, तो ऐसा नहीं है, अपन को दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला जो टेस्ट है आपके सामने है ट्रैक मेमोरी टेस्ट। अब ट्रैक मेमोरी टेस्ट में क्या होने वाला है, भाई ट्रैक मेमोरी टेस्ट जो है इसके अंदर आपको एक नक्शा दिया होगा जिस पर ट्रैक रहेगा, ठीक है। अब ट्रैक को आपको याद करना रहेगा, ट्रैक को आपको क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको यहाँ पर, ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे अलग अलग जगह पे, अब ये कैसे याद करना है ये सब मैं जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इसको क्या मतलब, कौन क्या मेन चीज क्या आती है, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ बहुत सारे नाम दिए होंगे, ठीक है, इनको आपको याद करना रहेगा। आसान मतलब आसानी वाले जो मतलब कहा जाए, जैसे ये बिल्कुल कॉर्नर पर जो आ रहा है नाम, ऐसे नामों को आप सबसे पहले देख लें, देखने का समय होता है। और अंदर की जो चीज़ें होती है, जैसे कि आपका एक ट्रैक पकड़ लें, जैसे ये वाला ट्रैक अगर आपको पकड़ना है तो आप इसका एक ट्रैक पकड़ लें और इनके नामों के अनुसार कुछ नाम बनाएं, नाम के अनुसार आपको इसको याद करना है, ठीक है। अब वैसे तो मैं याद कराने में तो अभी बना दूंगा, देहरादून से कहाँ गए कोल्हापुर, कोल्हापुर से कहाँ गए पंजाब गए, ऐसा कुछ बनाना रहेगा, ठीक है। हो सकता है रेलवे, हो सकता है क्या होगा, रेलवे बीच में आपको ये स्टॉप और डाल दे, ठीक है। फिर आपको कैसे याद करना है, देहरादून से एक छोड़ करके कहाँ गए कोल्हापुर या कोलकाता, जो भी आपको बनाना है वो बना लो, एक छोड़कर बोलना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा,
तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको। अच्छा, यहाँ पर एक कमी होती बच्चों में, बच्चा जब याद कर रहा होता है ना तो अपने मुंह बंद कर लेता है ना, और बिल्कुल एकाग्रचित हो जाता है, बिल्कुल घुस जाता है उसके अंदर, और घुसने के बाद में उसे क्या करता है, इतना मनन करता है अंदर ही अंदर मनन कर रहा होता है, और मनन कर रहा होता है तो फिर उसके बाद में जैसे ही वो पेज पलटता है ना, इधर जैसे ही वो जाता है और जैसे ही इसे देखता है तुरंत बत्ती गोल एकदम से, मतलब उसको माइंड में कुछ होता ही नहीं, ब्लैंक हो जाता है एकदम। ये क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न है। जब आप इसे पढ़ रहे होते हैं ना तब आप कुछ ना तो बोल रहे होते ना कोई हरकत कर रहे होते, अपना बिल्कुल माइंड एकदम से शून्य में चला जाता है ना। आप याद कर रहे हो ये तो पता है मेरे को, लेकिन वो आप शून्य में चले गए। शून्य में जाने के बाद जैसे आपको ये दिखाई देता है ना, तो आपको एक अजीब से अलग सी जगह दिखाई देती है, और जब वो अलग सी जगह दिखाई देती है तो फिर बड़ा टेंशन हो जाता है, बोले यार अब क्या करें, अब क्या भरें। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक इंट्रैक्शन, मतलब थोड़ा सा छोटी सी एक एडवाइस दूंगा। एडवाइस क्या, इसी तरीके से याद किया जाता है। कभी भी आप याद करें तो याद करते टाइम कोई सी भी मेमोरी हो, कोई सी भी मेमोरी, आपको एक तो दोनों हाथों से, दोनों मतलब आपके ऑनलाइन में आपका माउस होगा, माउस को भी छोड़ देना है, दोनों हाथों को लेना है, दोनों हाथों का उपयोग करना है, मुंह से बोलना है और कानों से स्पष्ट सुनना है, ठीक है। अब देहरादून यहाँ लिखा हुआ है, दून लिखा हुआ तो मैं देहरादून बोलूँगा, देहरादून से बीच में स्टेशन जंक्शन क्या है, कोलकाता या कोल्हापुर, और लास्ट में क्या है, पंजाब, लास्ट में क्या है, पंजाब। तो जब मैं इसको भरूंगा ना, जब मैं क्या भरूंगा तो ध्यान सुनो, मेरा माइंड अपने आप ही बोलेगा, शुरुआत में यहाँ पर क्या था, देहरादून, बीच में क्या था, कोल्हापुर, और लास्ट में क्या था, मेरे माइंड ने अपने आप ही बोला, मूड ने, क्योंकि मैंने बोला था, सुना था। और अगर आप मनी मन में कर रहे हो तो ये चीज़ नहीं आएगी आपके पास। तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा आपका, जो भी आपका कोलकाता पंजाब, लास्ट में अपने क्या आएगा, पंजाब, ठीक है। तो बोला था इसलिए माइंड में याद रहा, ठीक है, बीच में कोल्हापुर या कोलकाता, जो भी आपको जैसे भी, तो बोल करके याद करोगे, मेमोरी बहुत अच्छे तरीके से याद होगी, और बोल करके हाथों के इशारों से, भाई कोई भी चीज़ है, काला सफ़ेद भाग देखना है। अब जैसे मैं अगले मेमोरी पे चलता हूँ, अच्छा इस मेमोरी का टाइमिंग बता दूँ मैं आपको, ट्रैक मेमोरी में 2 मिनट याद करने के लिए मिलता है, फिर 2 मिनट भरने के लिए मिलता है, फिर 2 मिनट याद करने के लिए मिलता है, फिर 2 मिनट भरने के लिए। ट्रिक वगैरह की बात और याद करने का तरीका जब अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे पहले मैं आपको बताऊँगा, और तब अपन इसको प्रैक्टिस में रिविज़न करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेमोरी है फिगर टू नंबर। फिगर दिया होगा और नंबर भी उसके सामने होगा। मेरे टीचर थे, जब वो ये मेमोरी पढ़ाते थे तो वो एक बात बोलते थे, भाई मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, ऐसी बात थोड़ा है, मतलब मेरे डाउनलोड होके आया हूँ भाई, सीधी सी बात वो बोलते थे, बोला आपके जीवन से घटित घटनाओं से याद रखें इसे, है ना। अगर ऐसे भी याद नहीं आता तो अपना नेगेटिव सोचना विचारना शुरू कर दे, शैतानी दिमाग लगा दें, और जहाँ आप शैतानी दिमाग लगाओगे तो जल्दी से याद होगा, और अगर आप एकदम सीरियस होकर के याद करोगे तो कभी ये याद नहीं होगी। मतलब नॉटी माइंड लगाओ, मतलब गंदा सोच करके याद करो, ये बोलते थे, वो बिहार के थे मतलब। तो ध्यान से समझना, इसमें दिमाग लगाओ, और बिल्कुल मतलब जो भी आप सोच सकते हो इसके बारे में, तमाम बातें वो सब सोचते जाओ, उस इसके थ्रू इसके नंबर को क्या करो, कनेक्ट करो। नंबर को जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो अपने आप ही आपके माइंड में याद आ जाएगा, ठीक है। जैसे 44 है, अब मुझे इसके अंदर इसमें 44 फिट करना है। अब हो सकता है कि मैं 4 यहाँ पर अपने माइंड से यहाँ 4 2 4 बना लूँ, हो एक तो ये तरीका है। घड़ी में कितने बज रहे हैं, घड़ी में बज कितने भी रहे हो, घड़ी में 3:04 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला, देखो मेरा याद करने का, मेरा समझाने का या मेरा जो भी पढ़ाने का तरीका, वो तो थोड़ा समझना, बोलो मुँह से, सुन मत बैठो, घड़ी में 3:04 हो रहे हैं। जब आप इसको क्या करोगे, इधर जाओगे तो घड़ी दिखते ही आपको ये ध्यान आएगा 3:04, तो आपका 34 आंसर अपने आप ही लग जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर टू नंबर हुआ, इसमें नंबर को याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, 2 मिनट देखने का समय मिलेगा, 2 मिनट भरने का समय मिलेगा। अच्छा, इसके क्वेश्चंस की संख्या भी मैं आपको बाद में, मैं अभी लिख दूंगा थोड़ी देर बाद उसी में मेन पेज पर, भाई कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कितने रहेंगे आपके फिगर टू नंबर 21 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 21 यानी 42 नंबर के 42 क्वेश्चन रहेंगे और दो दो मिनट का समय मिलेगा, दो मिनट का कई कई बोर्डों में ढाई मिनट का भी मिल जाता है, कई बोर्डों में दो का भी मिलता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हमें दो मिनट में तैयारी करके रखना है, वहाँ आधा मिनट ज़्यादा मिलता है तो अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन हमें दो मिनट में तैयार करना है, ठीक है, और होगा दो मिनट में भी। आगे चलते हैं, अब आता है आपका हाउस मेमोरी, अभी फिगर टू नंबर बताया था, अब हाउस मेमोरी बताता हूँ, इसको हाउस मेमोरी एंड प्लेस मेमोरी भी कहते हैं, हाउस एंड प्लेस, ध्यान समझना मेरी बात को, यहां ध्यान समझना, हाँ, इसको हाउस एंड प्लेस मेमोरी भी कहते हैं, इसको हाउस एंड क्या कहते हैं, प्लेस, आपको घर तो देखना ही देखना है, लेकिन घर के साथ साथ वो किस स्थान पर रखा हुआ है इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी हाउस को तो देखना ही देखना है, घर को तो देखना ही देखना है, वो किस जगह पर रखा है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो इस वाली मेमोरी में ध्यान रखना, इसमें ढाई मिनट का समय मिलता है ढाई मिनट देखने के लिए, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना, इसमें आपको दो चीज़ें, इसमें सिर्फ फिगर के साथ नंबर याद करना था या नंबर था मेन, नंबर याद करना, इसमें कम समय लगता है, ये थोड़ा सिंपल है, ये टफ है, ये वाला जो है ये ज़्यादा थोड़ा टफ है, पाँचवा नंबर और ये आपका फिगर टू फिगर, ये दो थोड़े टफ हैं, बाकी जो आपके तीन मेमोरी हैं वो सिंपल हैं, तीन मेमोरी सिंपल हैं, तीन टफ हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, किसी भी जिस भर्ती बोर्ड के पहले दिन जो परीक्षा हो जाती थी उस परीक्षा में जो क्वेश्चन आ जाते थे वही क्वेश्चन पूरे ऑल ओवर सभी परीक्षाओं में, यानी महीने डेढ़ दो महीने परीक्षा चलनी है तो सभी पारियों में वही आएगा, उसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं आती थी। इस बार देखते परीक्षा कितने दिन चलती, दो या तीन दिन चलती है, तो पहली पारी में जो आएगा वो आगे की पारियों में भी पूछा जाएगा, बाकी देखते हैं, बाकी इस बार क्या होता है, क्या नया प्रयोग कर रही रेलवे, तो उनको देखना पड़ेगा। हाउस एंड प्लेस के बारे में थोड़ा सा बता दूँ उसको, फिर उसके बाद में फिर अपन आगे, आज सिर्फ देख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ देख रहे हैं, जो अपने माइंड में है जो भी चीज़ें हैं वो अपन देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात को, सबके दो दो सेट आएंगे, कन्फर्म है, दो सेट भरवाए जाएंगे, जैसे आपको पहले घर दे दिया जाएगा और घर देने पे आपको घर को तो याद करना ही करना है, घर किस जगह पे बना हुआ है वो भी याद रखना है, ठीक है, और फिर जैसे आप इसको दो मिनट याद करोगे जो भी आपका घर है उसको याद रखना है, उसके बाद में फिर आप जैसे पेज चेंज करोगे तो आपके सामने ये जगह स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, अभी तो यहाँ तो सिंपल दिखाई दे रहा है आपको, जैसे मान लो यहाँ ए लिखा हो तो यहाँ बी भी लिखा होगा, है ना, एग्जाम में कुछ इस तरीके से आएगा, आप मेरे से मत बोलना बोला कि सर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं था, नहीं यहाँ सी भी आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके एक जगह में दो या चार नंबर भी मतलब अक्षर भी लिखे हुए आएंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको घर को देखना है, घर वो किस जगह पर था वो भी याद रखना है, उस जगह पर ही फिट करना है, और उस जगह पर दो लेटर होंगे, जैसे ए यहाँ बना होगा और बी यहाँ पर होगा, तो आपको दो जगह दिखाई दे रही होंगी, तो इसका एक निवारण ऐसा भी है, थोड़ा सा निवारण बता देता हूँ यहाँ पर, हल्का सा बता रहा हूँ, कि जिस अक्षर के पास जगह होगी, भाई मकान बनाने के लिए जगह की जरूरत, प्लॉट की जरूरत तो होती है, यानी जिस अक्षर के पास जगह होगी घर उसी अक्षर पर बनेगा, हो सकता है कि बी के बगल में यहाँ पर ही ए लिख दे, या बी के पास में यहाँ पर ए लिख दे, या हो सकता है ए यहाँ पर लिख दे, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, बोले यार ए यहाँ लिखा हो मैं ए पर भी लगा दूँ, नहीं, तो जिसके पास जगह होगी, बी हो सकता है कि आपका यहाँ पर बी को यहाँ लिख रखा हो, बी को आपको थोड़ा सा हटके यहाँ लिखा हो और ए को यहाँ लिखा हो, बोला आप कहाँ लगाएं, तो जिस अक्षर के पास जगह होगी वहाँ पर आपको ये पुटअप कर देना है, बिल्कुल आँख बंद करके तुरंत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें वही आपको ढाई मिनट का समय मिलेगा, ढाई मिनट देखना याद रखना याद करने के लिए और ढाई मिनट भरने के लिए, फिर ढाई मिनट याद करने का आएगा, फिर ढाई मिनट भरने का आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझाता हुआ अभी चल रहा हूँ ताकि एक दिन में ही आपको इतना जैसे प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको ऐसा ना लगे बोला यार बहुत ज़्यादा कर दिया, हाइपर हो जाओ एकदम से, नहीं ऐसा नहीं करेंगे ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हाउस मेमोरी के बारे में समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी यहाँ तो हाउस सिंपल सिंपल से हाउस दिए हुए हैं,
हाउस की जगह पे कुछ अभी कुछ एक ऐसी मेमोरी भी आई है तो जिसमें क्या है यहाँ पर घर नहीं होता, घर की जगह कुछ और भी होता है, उसके अकॉर्डिंग भी मैच कर लिया जाता है। तो ये भी बात थोड़ी सी आप अपनी याद रखना, वो हाउस मेमोरी की तरह है, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो सिंपल है, वो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे चलते, अब इसके बाद में जो टेस्ट आता है, अभी सिर्फ मैं आपको टेस्ट दिखा रहा हूँ किस तरीके से कौन कौन से सहायकों में कौन कौन से टेस्ट आपके आते हैं। अब जो टेस्ट आ रहा है आपके सामने वो क्या है, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने इसकी बात की थी, साइको टेस्ट में पहले टेस्ट की बात की थी, पहले टेस्ट के पार्ट हैं, इनमें से सिर्फ एक ही आएगा, दो नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही आएगा। मतलब ये पांच है तो पांचों के पांचों नहीं आएंगे, पांचों में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस तैयारी हमें अभी पांचों की करनी है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस सबकी करनी है, इसके बाद में हम यहां पर सेकंड नंबर टेस्ट में चलते हैं। सेकंड नंबर टेस्ट में अब देखो भैया, दो सेकंड, काफी टाइम बाद आया हूं दोबारा से पढ़ाने के लिए, थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ भाई, सेकंड नंबर टेस्ट में या तो आपका टेबल टेस्ट आएगा, बाद में मैं इसमें लिख दूंगा, फिगर टू फिगर मैं लिख दूं क्या, अभी टाइम है मेरे पास, मैं लिख भी देता हूं ताकि फिर आपको दिक्कत ना आए। फिगर टू फिगर में आपका, जैसे फिगर टू फिगर में आपके 12-12 क्वेश्चन के दो सेट होंगे, 12 मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप बाद में बोलो बोलो सर ने बताया भी नहीं, 12 और 12 क्वेश्चन के दो सेट रहेंगे, ठीक है, और टाइम मिलेगा 2+2, ठीक है, और +2+2 का, ठीक है, ये टाइम, ठीक है। अच्छा, फिगर टू फिगर, फिगर टू फिगर ये 20-20 क्वेश्चन के होंगे, 20+20, वैसे आप कोई भी बुक मार्केट से खरीदोगे तो वो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से चार भागों में, मतलब फिगर टू फिगर ये लगभग आपका 10 मिनट का होगा, मैं लिख दिया, इसके चार भाग कर लेना तो 2.5 मिनट देखना, 2.5 मिनट बनना। अब ट्रैक मेमोरी, ट्रैक मेमोरी में जब भी आप जाओगे तो 12-12 के आपको दो सेट मिलेंगे, 12 के दो सेट मिलेंगे और 8 मिनट का होगा। फिगर टू नंबर, फिगर टू नंबर। अच्छा मैं एक और बात बोलूं भाई, कोई भी ऑफलाइन आप कोई भी एक बुक परचेस कर ले, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, और उन बुक से आप है ना इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और जो मैं आपको इमेज यहाँ दिखा रहा हूँ ये इस तरीके से ही एग्जाम में इमेज दिखाई देती है, तो इस तरीके की बुक अगर आपको मार्केट में मिल रही है तो वो जरूर आप लें, ठीक है। और मोदी जी का जमाना है और वो तो आपके साथ है ही सही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ इधर ध्यान देंगे, फिगर टू नंबर, फिगर टू नंबर की बात कर रहा था मैं आपको, तो यहाँ पर 21-21 क्वेश्चन आएंगे, 21 और 21 के क्वेश्चन आएंगे, और 21-21 के मोदी मतलब आपके प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, 21-21 के दो सेट आएंगे, और 21-21 के दो सेट आएंगे तो, और इसमें आपको लगभग फिगर टू नंबर है ना, तो आप वैसे 2.5 मिनट का लेकर के चलो यहाँ पर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 मिनट में हो जाएगा आपका ये, क्योंकि संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पर। और हाउस एंड प्लेस, हाउस एंड प्लेस में फिर से आपको क्या याद रखना है, आपको 12-12 के दो सेट आएंगे आपके, ठीक है, और वही आपको 10 मिनट का समय आपको मिल जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 2.5 मिनट से ज़्यादा समय रेलवे नहीं दे रही है इसके अंदर, और फिर अभी ऑनलाइन होने वाला है तो मैं कुछ अभी कहूँगा भी नहीं वाला। अब आते हैं अपन टू सेकेंड नंबर एग्जाम पर, देखो इनमें से कोई एक आएगा, कोई एक आएगा, ठीक है, और 6% आपको दे करके जाएगा। यहाँ गलती नहीं करना दोस्तों, सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, इस टेस्ट को अगर आपने बिना गलती के निकाल दिया, मेमोरी टेस्ट को अगर आपने बिना गलती के निकाल दिया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो मैं क्या, कोई और भी आ जाए ना तो भी बचा नहीं सकता। और गलती करने वाले को रेलवे तब लेती है जब 100% सही करने वालों की कमी पड़ जाती है, ध्यान रखना ये वाली बातों को, मेरी बातों को ध्यान रखना, 42% में पहले उन्हें लिया जाएगा जिन्होंने गलतियां नहीं की हैं और क्वालिफाई भी निकाला है, ठीक है, उनका ग्राफ अपने आप ही बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहां याददाश्त का परीक्षण किया जा रहा है, याददाश्त के बाद में दिशा निर्देश
दिशा निर्देश, अब निर्देश देने वाला कौन होता है? आपकी जो गाड़ी होती है ना, आपकी गाड़ी के अंदर आप असिस्टेंट बनोगे तो ड्राइवर आपको निर्देश देगा और ड्राइवर के साथ साथ गार्ड भी आपको निर्देश देंगे, और ड्राइवर और गार्ड के निर्देश के बाद जब आपकी गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म से या किसी स्टेशन से गुजर रही होगी तो वहाँ का ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या जो भी कंट्रोलर जो भी है, तो या ट्रैक मैन या ट्रॉली मैन या जो भी हैं इनके पास वॉकी टॉकी, या सिग्नल का स्टाफ, टेलीकॉम का स्टाफ, तो जो भी आपके वॉकी टॉकी से बात करेंगे तो वो आपको निर्देश भी देंगे। तो उन निर्देशों कितने बारीकी से और कितना सटीक ढंग से आप उसको समझ सकते हो, इसके लिए टेस्ट लिया जाता है। पहले वाले को मैंने बता दिया, जब आप रूट ट्रेनिंग करते हो या फिर ट्रेन चला रहे होते हो तो चारों दिशाओं में ले जाते हो, तो हर जगह की आपको रात में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अब ये जगह आने वाली है, अब ये जगह आने वाली, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पर दिशा निर्देश, जो भी आपको निर्देश हो सकता है किसी बोर्ड पर निर्देश लिखे हो, उन बोर्ड पर लिखे हुए निर्देशों का आपको तुरंत पालन करना पड़े। और इसमें क्या होगा, टेबल टेस्ट जो रहेंगे उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे भाई? 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। कितने मिनट का समय मिलेगा? 5 मिनट का समय मिलेगा। और क्लॉक टेस्ट में, अब क्लॉक टेस्ट के बारे में आपको बताऊं, 2012 के जब ये क्लॉक टेस्ट आया करता था तो क्लॉक टेस्ट में केवल 2 घड़ियां आती थी, एक घड़ी के नीचे 10 क्वेश्चन होते थे। लेकिन जब ये 2010-11 का जो समय गया ना, 10 में क्या अलग अलग भर्ती बोर्डों में, नहीं 7 में अलग अलग भर्ती बोर्डों में अलग अलग टाइम पे सहायक हुआ था, 10 में पहली बार 1 day 1 रेलवे के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ था, 2012 में जो परीक्षा हुई थी सहायकों की वो आपके उस टाइम पर भी 2 क्लॉक ही आया करती थी। लेकिन जब ये 2014 की बात करें, और सबसे पहला टेस्ट हुआ मुजफ्फरपुर बोर्ड में, और वहाँ पर भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे वहाँ पहुँचे, तो मैंने प्रैक्टिस कराई थी 4 घड़ियों से, एक घड़ी में 5 क्वेश्चन थे, तो 4 घड़ियों में कितने क्वेश्चन होगा? 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्लॉक एक ही आए, सॉरी क्लॉक मिनिमम तो 2 आएंगी और मैक्सिमम 4 भी हो सकती हैं। और आपको इसमें समय मिलेगा 10 मिनट का, 10 मिनट का। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, यहां पर 20 क्वेश्चन वाला ये जो टेस्ट है ना, ये सिंपल है, थोड़ा क्लॉक थोड़ा सिंपल है, टेबल सिंपल नहीं है, और टेबल में गलती की संभावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब गलती तो करनी, पर टेबल टेस्ट के अंदर आप पहले नंबर पर, मैंने आपसे क्या बोला, मेमोरी में 1% गलती नहीं चलेगी, 1% बिल्कुल भी गलती मेमोरी में तो चलेगी ही नहीं। लेकिन टेबल टेस्ट की जब हम बात करते हैं, टेबल टेस्ट की बात करते हैं, तो टेबल टेस्ट के अंदर भी आपको एक भी गलती नहीं करनी, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही तो हैं, और 10 क्वेश्चन मिलाकर आपको 6% मार्क्स दे रहे हैं, और 6% मार्क्स दे रहे हो तो एक क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो गलत होता है तो आपका कितना परसेंट नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, आप ये बात सोचिए थोड़ा सा माइंड में, ठीक है। तो यानी कि यहां पर आपको एक इस टेस्ट के अंदर बिल्कुल गलती नहीं करनी है, इन 2 टेस्ट में बिल्कुल भी गलती चलेगी नहीं, बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन क्लॉक वाले टेस्ट में खुदा ना खास्ता अगर आपसे एकाध गलती हो गई, गलती है तो एक बार को आप बच भी सकते हो। पहली बात तो गलती करनी ही नहीं है, कसम तो यही खा के चलना है कि गलती हमें करनी ही नहीं है, अगर अनजाने में हो जाती है तो उसके लिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। और यानी टेबल टेस्ट की हमें ऐसी कड़ी तैयारी करनी है कि जिसमें हमारी गलती बिल्कुल भी ना हो। यहाँ क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई, अच्छा जहाँ क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाए वो टेस्ट थोड़ा ठीक रहता है, और जहाँ क्वेश्चन की संख्या कम है वहाँ नेगेटिव मार्किंग का असर उतना ही ज़्यादा रहेगा, तो उतना ही हैवी हो जाता है। अब दोनों टेस्टों को जरा हम देख लेते हैं, है ना, जरा हम दोनों टेस्टों पर चलते हैं, दोनों टेस्टों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको टेबल के कुछ रूल लिखवाऊंगा, ठीक है, लिखवाऊंगा मैं आपको, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको दे दूं यहाँ PDF बना करके दे दूं, नहीं, लिखवाऊंगा मैं आपको, पेन कॉपी लेकर के बैठना, और अभी भी आप पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे, मैं सोच रहा हूँ बैठे ही होंगे, है ना, और इनको नोट करते रहो, जो जो बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तुरंत पेन कॉपी उठाओ 2 मिनट के अंदर और तुरंत नोट करना शुरू कर दो, है ना, एक एक चीज को आप नोट करते चले जाना, सुनना चीज अलग होती है, नोट करना, 100 लिखा 100 कहा 1 लिखा बराबर होता है, ध्यान, है ना, इधर ध्यान दें, हमारे पास क्या है, टेबल टेस्ट आ गया। अब टेबल टेस्ट में क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं, रो
ये वाली बात जगह होती है और कॉलम ये, इन्हें स्तंभ भी कहा जाता है। 2.5 से 3 पेज के रूल्स होते हैं, मतलब 15-20 रूल रहेंगे आपके टेबल के, जिनमें आपको छोटे छोटे शब्दों से क्वेश्चन को पकड़ना है और हल करना है। वो मैं आपको लिखवाऊंगा, रूल्स लिखवाऊंगा, है ना, कि कहाँ के का नियम लागू होगा, कहाँ से का नियम लागू होगा, कि किस इस अक्षर के चारों ओर घूमे, कि चारों ओर कैसे घूमना है, से दाएं मुड़े, से बाएं मुड़े, फिर ऊपर चलें, अंतिम अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे इसके अंदर। सिंपल रहेगा, टफ नहीं होगा, लेकिन कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आप क्या करें, फॉलो कर लें। और यहाँ गलती नहीं करनी है, फिर से बोल रहा हूँ, गलती एक भी बर्दाश्त नहीं होगी इस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट, तो भाई इसको आपको कितने मिनट में करना है, 5 मिनट में, 5 मिनट में आपको तुरंत ही चलना है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम हल्की सी निगाह डालेंगे, ताकि दोस्तों को ये मालूम चल जाए, स्टूडेंट्स को ये मालूम चल जाए कि यार ये क्वेश्चन होता किस तरीके से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्तंभ 3 के नीचे की ओर बढ़ें, स्तंभ 3 से नीचे की ओर, तीन से नीचे की ओर बढ़ना है, और चौथे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, अब नीचे की ओर बढ़ें, चौथा अक्षर, अब देखो 1, 2, 3, 4, चौथा, मैं अपने आप ही रुक गया, क्योंकि मेरे मुझे तो बरसों पुराना आदत पड़ चुकी है इसकी, तो आपको तो गिनना पड़ेगा। तो स्तंभ 3 के नीचे नीचे की ओर, स्तंभ 3 से नीचे की ओर बढ़े, चौथे अक्षर के बाएं, अब इधर की तरफ तो होता है दाएं, इधर की तरफ होता है बाएं, के बाएं, दूसरे अक्षर के बाएं, इसको छोड़ दो, के को छोड़कर से साथ लेकर होता है, से मतलब होता है साथ लेकर। वो मैं आपको रूल्स बताऊंगा, बेबी काफ़ी टाइम 2016 में पढ़ाया था साई को, अब 2019 में पढ़ा रहा हूँ, यार मायने रखता है। तो को छोड़कर याद तो अपने आप ही आता है, माइंड तो अपने आप, टीचर का दिमाग तो वो होता है कि मतलब खड़ा कर दो एक बार, मालूम मतलब माइंड में आ जाए ना, फिर तो वो पूरी आ जाता है। तो ई को छोड़ दो तो दूसरा अक्षर के बाएं, अब दायां उधर होगा, बाएं इधर होगा, बाएं दूसरा अक्षर यानी डी पर पहुंच जाएंगे, के ऊपर दूसरा अक्षर, के ऊपर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आपका सीधा सीधा आंसर ई पर पहुंच, बी पर पहुंच जाएगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इस टेबल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसके रूल्स वगैरह को फॉलो करेंगे, रूल्स लिखवाऊंगा सबसे पहले, अभी तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, रूल्स लिखने के बाद में एक बार हम अपन रूल्स कंप्लीट कर लेंगे, 2-2.5 पेज के रूल्स रहेंगे, आपको लिखवाऊंगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट का टेस्ट रहेगा, 5 मिनट के अंदर निर्धारण हो जाएगा कि आप लोको पायलट बनोगे नहीं बनोगे, ठीक है। गलती नहीं, यहाँ बिल्कुल भी गलती नहीं चली, तभी तो बोल रहा हूँ मैं इसको लिखवाऊंगा ढंग से, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लॉक टेस्ट। अब क्लॉक टेस्ट के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ, तो भाई ये आपके सामने क्लॉक है, इसको आपको क्लॉक जो है ना उसको 8 भागों में बांटा गया है, 8 भागों में आपकी दिशाएँ भी हैं, इन 8 भागों में आपके अक्षर भी हैं, अक्षर कहाँ से, ए से जेड तक है, इन अक्षरों के पास में आपके अंक भी हैं, वो हैं 1 से 9 तक के अंक, ठीक है। तो 1 से 9 तक के अंक हैं, और इसमें आपको निर्देश देगा कि भाई आप पूरब से चल के पूरब से दाई ओर चलें, या घड़ी की दिशा में चलें, घड़ी की विपरीत दिशा में चलें, और फलाने अक्षर पर रुकें, अक्षर के सामने जाएं, तो इस तरीके से घुमाएगा, दिशा निर्देश देगा। इसमें अभी तो एक क्लॉक के नीचे 10 क्वेश्चन है, 2014 में जो पेपर के अकॉर्डिंग जो परीक्षा हुई थी उसमें एक क्लॉक के नीचे 4 क्वेश्चन थे और 4 क्लॉक थी, तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन बन रहे थे वहाँ। या बात तो एक ही है, मतलब आपके 10 क्वेश्चन हो, एक क्लॉक हो तो भी बात एक ही है, 5 क्वेश्चन हो तो भी आपके सामने क्लॉक हो तो भी बात एक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लॉक को आपको बार बार ही देखना रहता है। आगे चलते हैं, क्लॉक जो होता है ना आपका, क्लॉक में क्या मैंने आपको बता दिया कि 20 क्वेश्चन होंगे, 10 मिनट में करना है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब मैं दोबारा से आपको एक और बार फिर दोबारा चल रहा हूँ मेन फ्रंट पेज पे, जो अपना शुरुआत में स्टार्टिंग में था, तो मैंने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया, लिख भी लिया होगा आपने, है ना, एक एक बात को आपने नोट भी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पे चल रहा हूँ, अगले 3rd नंबर के टेस्ट पे चल रहे हैं, 3rd नंबर के टेस्ट पे। 3rd नंबर का जो टेस्ट है ये है ब्रिक टेस्ट, ईटा या ईट जिसे बोलते हैं अपन, ब्रिक कहते हैं। तो ब्रिक जो होती है ना उसकी
लंबाई चौड़ाई 1:2:4 रहती है, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई के अनुसार वहाँ सेट की हुई होती है, और सेट करने के बाद में फिर आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ब्रिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रिक कितनी ईंटों को स्पर्श कर रही है, इस तरीके से। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या वैसे तो कहा जाए 50 होती है, 50 क्वेश्चन ढेर ईंटों के जो ढेर रहते हैं वो रहते 10 ढेर, ठीक। हाँ जी, तो भाई यहाँ क्या था, ब्रिक टेस्ट जो है उसमें 10 ढेर जो ईंटों के जो ढेर रहेंगे वो 10 रहेंगे, और प्रत्येक ढेर के अंदर आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप क्या कहा जाए तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय लगेगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर 5 मिनट तो आपको दिखाने के लिए दिया गया है भाई, 5 मिनट। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा यहाँ पर इस टेस्ट को करने में केवल और केवल 2.5 से 3.5 मिनट लेता है। कितना लेता है, 2.5 से 3.5 मिनट लेता है, 5 मिनट तो उसे बहुत एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो रेलवे जानती थी ये वाली बात कि भाई इसमें क्या होता है, बच्चा जल्दी फ्री हो जाता है। तो 2014 के अंदर सबसे पहले तिरुवनंतपुरम बोर्ड के अंदर नॉर्मली साइको चल रहा था, उसके बीच में एक पेपर अलग से दिया गया कि बच्चों इसको करके बताओ। तो एक लड़का था महेंद्र कुमार मीणा, वो वहीं पर मतलब आज लगा हुआ है, मदुरई में पोस्टेड है, तो वो लोको पायलट है। तो उसने जब ये देखा तो उसके उसको ब्रेक तो उसने दे दिया, लेकिन उसको एक टेस्ट और दे दिया गया था, वो था हिडन क्यूब। उसने आकर के बताया सर हमें एक ऐसे ही दिया था कि भाई इसको देखो करके देखो, आता है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो कुछ अलग सा टेस्ट दिया था, और आप मानेंगे नहीं वाली बात कि तिरुवनंतपुरम में तो इसकी थोड़ा सा हल्का सा दिया था, वहाँ एक प्रयोग किया जा रहा था, और फिर उसी साल 2014 की परीक्षा में ही 1 महीने 15 दिन बाद सबसे पहली बार हिडन क्यूब क्वेश्चन आपके पटना टेस्ट में आया, पटना साइको में आया। और पटना के बाद में तो फिर तो ये अहमदाबाद भी आया, इसके बाद अजमेर भी आया, अजमेर के बाद में आपका इलाहाबाद में ये टेस्ट आया, पिछली भर्ती परीक्षा। जिन्होंने दिया होगा वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये अलग अलग जगह पे हिडन क्यूब टेस्ट भी आया। ब्रिक टेस्ट आसान है, हिडन क्यूब टेस्ट हल्का सा टफ है, लेकिन इस टफ को भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें कुछ आकृतियाँ 75-72 ऐसी कुछ आकृतियाँ थी, मेरे को पुराने पेपर्स निकालने पड़ेंगे, उनमें दोबारा से देखना पड़ेगा कि भाई 75-72 ऐसी आकृतियाँ थी, उन आकृतियों में से एज इट इज़ 30 क्वेश्चन आपके परीक्षा में बैठ रहे थे, यानी कि बच कितने रहे थे, 20 क्वेश्चन बच रहे थे। 20 में से आपके पास यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन है, वही 10 के सेट के हिसाब से 10 सेट कितने सेट सेट और ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन थे, यहाँ 10 मिनट थे, और 10 मिनट थे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको अगर 30 क्वेश्चन आपको पहले से पता है तो आपको 3 मिनट लगेंगे उसको भरने में, है ना। अगर अब आपके पास 7 मिनट बचे हो, 7 मिनट में 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन में से आप 15-1 क्वेश्चन तो कर ही दोगे, तो 40-45 क्वेश्चन लगभग बच्चा इसमें भी कर देता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमने हिडन क्यूब तक बात कर ली, थोड़ा अपन देख लेते हैं बस लास्ट इसको देख लेते हैं कि भाई हिडन क्यूब है कैसा, देखने में कैसा है। तो देखने की बात कर लेते थोड़ा सा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये रही आपका ब्रेक टेस्ट। ब्रेक टेस्ट का एक छोटी सी ट्रिक है जो इसकी कमर तोड़ देती है बहुत अच्छी तरीके से, क्वेश्चन ना के बराबर, मतलब सिंपल, इतना सिंपल हो जाता है जिसका। ब्रेक टेस्ट में कभी भी आपको ब्रेक को गिनना है ना तो छोटे भाग को ही देखना है, बोलते हैं ना अर्जुन को केवल उसकी पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरीके से आपको ब्रिक के अंदर केवल और केवल ईंट का छोटा भाग ही दिखना चाहिए, और उस ईंट के इर्द गिर्द जो ईंटें हैं उनका भी आपको छोटा भाग ही गिनना है, यानी आपको छोटा ही नजर आना चाहिए। तो देखो ए है, ए के इर्द गिर्द जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 कितनी ईंटें हैं, 5।
अब इतना आसान टेस्ट है ये, बिल्कुल आसान टेस्ट है। अब ये सी है, सी सी को आपको छोटे भाग को ही देखना है और छोटे से जितने छोटे स्पर्श हो रहे हैं केवल वहीं से गिनना है। तो एक और ये दो, तो सी के सी से कितने हो रहे हैं? दो। बी है, बी से आपके कितने हो रहे हैं? दो। है ना, बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, इसमें बिना किसी गलती के हमें 50 में से 50 समय रहते हुए ही कर लेना है और होंगे, कन्फर्म है। अच्छा, इसके बाद मैं अंतिम टेस्ट की तरफ और मैं ले चलता हूँ आपको। अंतिम टेस्ट आपका क्यूब टेस्ट है और क्यूब टेस्ट की थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा, हल्की सी। भाई क्यूब टेस्ट में आपको ऊपर की साइड से देखना है। कहाँ से देखना है? अरे देवताओं बता दो यार, कहाँ से देखना है? ऊपर की साइड से देखना है। और ये किस मंजिल पर है? ठीक है, यानी एक मंजिल उसमें छोड़ देनी है, यानी एक दो तीसरी मंजिल के बाद में चौथी पर था, तो हमें तीन मालूम करना है कि इसके नीचे तीन होंगे, इसके नीचे दो होंगे, इसके नीचे दो होंगे, यानी इसके नीचे तीन होंगे, इसके नीचे दो होंगे, इसके नीचे दो होंगे, और इसके नीचे कितना होगा? भाई इसके नीचे होगा एक। बाकी सारा हमें दिखाई दे रहा है, तीन चार पाँच छः सात और एक आठ। आप सीधा सीधा आठ क्वेश्चन आंसर लगा दो, आपका हो जाएगा। और ऐसे के ऐसे सेट है ये, आराम से हो जाता है, टफ नहीं है, है ना। इसके 75 एक क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसमें से 30 एक क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे आपको। 15 एक क्वेश्चन रेलवे आसान बनाता है, उनमें से 10 एक क्वेश्चन, तो आपको 10 वो मिल जाएंगे। थोड़े क्वेश्चन टफ होंगे, उनमें आप थोड़ा दिमाग लगा लेना, हो जाएगा। यहाँ गलती तो करनी नहीं है, है ना। और एक बात मैं आपको माइंड में थोड़ी सी कह दूँ, 10 क्वेश्चन पर अगर आप एक गलती कर रहे हो तो वो गलती मानी जाती है। ये बात मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि इससे आप थोड़े से माइंड से फ्री हो जाओगे, माइंड टेंशन फ्री हो जाओगे। 10 पर अगर आप एक गलती करो तो मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप 11 पर एक गलती कर रहे हो तो वो गलती गलती नहीं मानी जाती। रेलवे उस गलती को कभी भी गलती नहीं मानी जाती। आपका जो ग्राफ बढ़ता हुआ चल रहा था ना ऊपर, जो आपका ग्राफ उठ रहा था वो उठता हुआ चलेगा, गिरेगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ लड़खड़ा जाएगा, 10 पर एक गलती होती, थोड़ा ग्राफ है ना, जो ग्राफ चल रहा होगा ना मॉनिटरिंग जिस ग्राफ से हो रही है ना, थोड़ा गिर जाएगा नीचे। रेड लाइन, ग्रीन येलो लाइन और ग्रीन लाइन, अगर आपका ग्रीन लाइन में तो आपको बेस्ट नंबर मिलेंगे। ग्रीन लाइन के ऊपर जितने स्टूडेंट होंगे पहले उनका सिलेक्शन होता है, फिर येलो लाइन को जो लोग टच कर रहे होते हैं फिर उनका होता है। पहले सेट वाइज आपका साइको में पास किया जाता, फिर सेट वाइज के अकॉर्डिंग, फिर परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो छट जाते हैं बच्चे। अगर किसी ने कम ही किया है, जैसे सेट वाइज अगर सबका जैसे 10 बच्चे तो 10 बच्चे, ये मैं आपको रिजल्ट बनाने वाली बात, मैं अच्छी मतलब एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको रिजल्ट बनाने वाली पूरी बात समझा दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको क्यूब समझ में आ गया हो, ऐसे एक और क्यूब देख लो। लास्ट आज की क्लास में बस मैं यहीं तक ही चलने वाला हूँ। ये ऐसा सेट आपको दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके नीचे आपको कितना दिखाई, मतलब जो नहीं दिख रहा है वो एक है, इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा दिखाई नहीं दिख रहा वो एक है, यानी दो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस तरीके से आपको वहाँ पर एग्जाम में भरने हैं। अभी हमारे दो टेस्टों की जानकारी रहना लेना अभी अपनी बाकी रह गई बात, उस बात को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, और उस बात को पूरा कंप्लीट करने के बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी इतना समझ में आ गया होगा, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, एक घंटे का समय हो गया है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और थोड़ा सा ध्यान रखना साइको के लिए, थोड़ा एक कंपल्सरी बात थोड़ा सा याद रखो। देखो साइको क्या है, प्रैक्टिस करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, 5, लेकिन नींद बराबर लो पक्की, मतलब जो एक मतलब माइंड को मतलब पूरी तरीके से टेंशन फ्री। सुबह थोड़ा सा जल्दी जगो, 6-7 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे जग सकते हो, 5 बजे, लेकिन शाम को जल्दी सो जाओ 8-9-10 बजे तक। मैं और जितने बार सो, और दिन में भी अगर आप 2 या 3 घंटे की नींद लेते हो, माइंड जितने बार आप सो करके जगोगे फिर साइको लगाओगे तो आपको साइको का ग्राफ बढ़ता होगा, क्योंकि रीस्टार्ट हो जाता है एक बार, जैसे मोबाइल अपना रीस्टार्ट होता है ना, ऐसे माइंड भी हमारा रीस्टार्ट होता है। और जब आप उसे दोबारा साइको लगाओगे ना तो आपको आपका 5 क्वेश्चन की बढ़ोतरी मिनिमम दिखाई देगी आपको। एक बार अभी करोगे डिप्रेशन, अभी माइंड थका हुआ है, अभी साइको लगाओगे नहीं बैठेगा, लेकिन जब आप अगले दिन लगाओगे ना तो 10-5 क्वेश्चन आपको बड़े हुए नजर आएंगे। फिर उसके अगले दिन जब आप लगाओगे तो फिर और 5 क्वेश्चन बड़े हुए नजर आएंगे। धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता है, एक दिन में आपसे कुछ नहीं होगा,
आपको 20 दिन 15 दिन की लगभग 7 दिन के अंदर क्वालिफाई निकाल लेगा बच्चा, लेकिन 20 एक दिन 25 दिन 25 दिन में 100% साइको करने लग जाता है बच्चा। ठीक है, ऐसे ऐसे धुरंधर है मेरे पास जिन्होंने 96 के 96 क्वेश्चन किए हैं 4 मिनट के अंदर, 4 मिनट से भी कम समय में, और इनका रिजल्ट भी RTI के थ्रू देखा गया ना तो 94% रिजल्ट, 96% रिजल्ट साइको का, फिर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स जो भी मिले होंगे, तो ऐसा रिजल्ट उनका गया हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक बारीकी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे।